2500 साल से ज़्यादा पुरानी बुधवा के ओल्ड टाउन में आप लोगों का स्वागत है। जब भी आप बुधवा ओल्ड टाउन में आ रहे हो तो जस्ट ओल्ड टाउन आप क्रॉस करोगे तो उसके साइड में बीच है, तो बीच के पास में एक है बरमुडा करके एक रेस्टोरेंट है जिसमें कॉफ़ी अच्छा मिल रहा है, जैसे कि 2.5 यूरो के अराउंड है कॉफ़ी कैपेचिनो, तो बहुत सही है, व्यू के साथ वर्थ है। मतलब आप इवनिंग में आराम से बैठ के थोड़ा कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, चाय में ही मिल रहा है सर, कॉफ़ी पी सकते हो और कुछ ब्रेड फ्रेड खाओ, कुछ खाओ और यहाँ बैठ के व्यू का एंजॉय करो। अभी फाइनली ओल्ड टाउन के अंदर आ रहे हैं, कॉफी पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आया। अब ओल्ड टाउन जब भी आ रहे हो ना तो उसके अंदर बहुत सारे रास्ता है, मतलब छोटा छोटा एंट्री पॉइंट्स टाइप का है और पुराने जमाने के पूरा दिख रहा है सब कुछ। वहाँ पे देखो, यहाँ पे दारू का शॉप है, वाइट गोल्ड सिल्वर वो सब का। सोविनियर शॉप से एक चीज़ है, लेकिन मॉन्टेनेग्रो में बुधवा में स्पेसिफिकली कैट्स बहुत है। ये साल बुधवा में बहुत ही ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक आया था, जिसमें बुधवा ओल्ड टाउन बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ था और यहाँ पे सब कुछ टूटा हुआ था। रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने के लिए 8 साल लगा और 1987 तक ये काम हो गया था। अभी आप हार्डली नोटिस करोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे कभी अर्थक्वेक हुआ भी था। किस साइड जाएँ यार, पतला पतला गली है सब जगह, कहाँ घुस रहे हैं कहाँ निकल रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे लग रहा है कोई पुराने जमाने के मूवीज के अंदर कैरेक्टर्स है। वाओ क्या सुंदर है यार, मतलब दिस इज मॉन्टेनेग्रो, दिस इज बुधवा, दिस इज नॉट ग्रीस, दिस इज नॉट फ्रांस। आई थिंक मॉन्टेनेग्रो इज स्टिल अंडररेटेड बिकॉज इतना सही वेदर, इतना सही नज़ारा।
अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा चर्च टाइप का था वो देखना है। अच्छा वो आगे दिख भी गया। कोई भी गली में जाओ बहुत सुंदर है यार ओल्ड टाउन ऑफ बुधवा। ये है द चर्च ऑफ सेंट जॉन्स द बैपटिस्ट। तो 7th to 12th century AD में ये हुआ था। देख रहे हो साइटाडेल के अंदर जाने के लिए। तो साइटाडेल के अंदर जाने के लिए आपको 4.5 यूरो का टिकट है। अगर अंदर जा सकते हो तो जाओ, 4.5 यूरो ऊपर से पूरा अच्छा व्यू आएगा। लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी इवनिंग होने वाला है और 15-20 मिनट के लिए जाना है और उसमें कुछ वर्थ नहीं बनता है 4.5 यूरो देने का। तो आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो, ऊपर 4.5 यूरो का टिकट है, ऊपर से व्यू डेफिनेटली अच्छा आएगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इसके अंदर से आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए जो भी जितना हो सके ओल्ड टाउन का। द हार्ट ऑफ बुधवा, लेट्स सी, लेट्स गो एंड विजिट अदर प्लेसेस इन द ओल्ड टाउन। ये है रुइंस ऑफ रोमन एरा। तो ये है जस्ट ओल्ड टाउन के अंदर ही, सिटाडेला के जस्ट बाजू में है। तो जो भी रुइंस है रोमन एरा का यहाँ पे है, तो इसको भी ये लोग प्रिजर्व करके रखे हैं अच्छे से। क्या सही नजारा है यार, समंदर के हवा आ रहा है वहां से। अभी हम लोग देख रहे हैं सनसेट बुधपा ओल्ड टाउन के अंदर जो सिटाडेला है उसी के पास में। दो कैथेड्रल है उसी के बीच में एक जगह है। तो अभी ओल्ड टाउन के बाहर बैठ के पिज्जा खा रहे हैं और एक रोल है मार्गरेटा रोल, और ये ब्लैक पिज्ज़ा फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ। ब्लैक पिज्ज़ा कभी खाया नहीं था, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, और देखेंगे अगर ये भूख नहीं मिटा तो फिर कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे, लेकिन अभी के लिए साइड में इतना मस्त ज़बरदस्त खुशबू आ रहा था तो खा लिए। अभी इवनिंग हो चुका है, हम लोग ओल्ड टाउन घूमे, उसके पीछे जो भी बीच वगैरह थे यहाँ पे वो भी सब घूमे, उसके बाद यहाँ पे आके पहुँचे हैं। तो यहाँ पे बैठ के से देख रहे, तो मैं सोचा कि थोड़ा ब्लॉग कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जितना भी बोट्स सब है यहाँ पे, यार्ड्स है जो भी है, तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है वहाँ पे जाता है बोट्स, आप रेंट करके जा भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे लोकल एड्स है जिसके पास ही बहुत सारे बोट्स है और यार्ड्स है, यहाँ पे पार्क भी किए हैं। तो वही है,
तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जस्ट ओल्ड टाउन के पास में आप देखोगे यहाँ पे सारे बोट्स और यार्ड्स पार्किंग है, तो ये एरिया है। अभी हम लोग हैं कोटर में।